वीडियो में हमने 1.6 के साथ हमने पेज नंबर 15 में हमने जो सेल्फ असेसमेंट था वहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ 1.17 को भी हम आपको दिखा देती हूँ। इसकी परसेंटेज हील आप कैसे निकालेंगे इसका थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप देख लें। आपने ये तो देख लिया, वन सेल्फ असेसमेंट तो आपने देख लिया। अब ये वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि ये कैसे होगा। लिखा हुआ है कि द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ गिवन एज। एक हमारे पास रिएक्शन दिया हुआ है और ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट 50 ग्राम हमारे पास क्या दिया है कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है। इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्सेस अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बचा हुआ जो है 14.52 है, सही है। ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज लाइब्रेटेड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हमारे पास इतना लाइब्रेट हुआ, एक्सेस हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और 14.52 ग्राम जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का दिया हुआ है। कैलकुलेट द थ्योरेटिकल एंड परसेंटेज हीट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की हमने फाइंड करनी है। सिंपल हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देना है उसके मॉलिक्यूलर मास के साथ। स्टेप नंबर टू में हमने सिस्टमेटिकली इसको सॉल्व करना है। सिस्टमेटिकली हमने किसे करना है, हमने फाइंड किस करना था कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का पहले वन आया, वन ही था, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वन ही कुछ नहीं है तो, और डिवाइड करना है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ था तो 50 ग्राम, इसके साथ भी वन है तो वन से हमने डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स कितने निकले थे 2.05। हमें थ्योरेटिकल यील्ड हम कैसे निकालेंगे, थ्योरेटिकल यील्ड हम कैसे निकालते हैं 0.5 जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आए हुए होते हैं ना उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके मॉलिक्यूलर मास के साथ। जैसे हम मास निकालते थे ना वैसे ही बिल्कुल सिंपल वही वे है इसका भी। उसके बाद परसेंटेज यील्ड का हमें फॉर्मूला पता है, थ्योरेटिकल यील्ड डिवाइडेड प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, या हम इसको ये भी बोलते हैं कि प्रैक्टिकल यील्ड भी बोल सकते हैं थ्योरेटिकल यील्ड भी बोल सकते हैं, तो आप प्रैक्टिकल यील्ड भी बोल सकते हैं या फिर एक्चुअल यील्ड भी, हाँ एक्चुअल यील्ड भी बोल सकते हैं। थ्योरेटिकल यील्ड तो डिवाइड होगा ना उससे, तो थ्योरी से जो निकला है हमारे पास, थ्योरी का हमारे पास अमाउंट दी हुई आप देख रहे हैं जो 14.52 है ना ये इसकी अमाउंट है। तो हमारे पास प्रैक्टिकल यील्ड हमारे पास 14.52 जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट से निकाली थी, और थ्योरेटिकल यील्ड जो हमने निकाली हमारे पास कितनी आई थी 22, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो हमें पता चल जाएगा कितने परसेंट हमारे पास बनता है। नेक्स्ट एक और सेल्फ असेसमेंट आपका इस चैप्टर में लास्ट रह गया, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे सॉल्व होगा। हमारे पास क्वेश्चन में था कि अंडर हाई प्रेशर ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, इफ 4 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम, अगर 4 ग्राम मैग्नीशियम के हैं रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 4.24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, कितने हमारे पास प्रोड्यूस करें 4.24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास प्रोड्यूस करें, कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ MgO। इसको भी बिल्कुल वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एम जी हमने निकालना है, मास को डिवाइड कर देना है उसके मॉलिकुलर मास के साथ, फिर सिस्टमेटिकली हमने सॉल्व करना है क्योंकि एम जी का ही हम फाइंड कर रहे हैं और एम जी ओ हमें पता है जो चीज़ हमें मालूम करनी होती है वो शुरू में आती है, एम जी ओ हमने मालूम करना था और एम जी हमारे पास दिया हुआ था। सिंपल इसको सिस्टमेटिकली सॉल्व किया और फिर हमें पता है मोल को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके मॉलिकुलर मास के साथ, और थ्योरेटिकल यील्ड पता है परसेंटेज यील्ड को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है PY और TY, परसेंटेज हील को हम डिवाइड कर देते हैं थ्योरेटिकल हील के साथ मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं तो हमारे पास परसेंटेज हील निकल आती है हमने प्रैक्टिकल हील को जो डिवाइड किया थ्योरेटिकल हील के साथ। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपल। और यहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ के तौर पर हैं, इसको आप छोड़ दें कुछ क्वान्टिटी में, यहाँ पर डेफिनेशन आप देख सकते हैं सिस्टमेटिकली और मोल की, गैड्रस नंबर की, मोलर वॉल्यूम की, मोलर मास की, राउंडिंग ऑफ डेटा, एक्सपोनेंशियल नोटेशंस, लिमिटिंग रिएक्टेंट, एक्सेस रिएक्टेंट, थ्योरेटिकल यील्ड और प्रैक्टिकल यील्ड और परसेंटेज यील्ड, इन सब की डेफिनेशन हमारे पास मौजूद है जो जो आपके पीछे चैप्टर में मैंने मार्क करवाई है वो यहाँ पर भी है। पहला क्वेश्चन देखें, आपके पास डिफाइन द फ्लोइंग आपको नजर आ रहा होगा, इसमें से बोर्ड में भी आ सकता है सवाल एक्सरसाइज में, और सिग्निफिकेंट फिगर्स या एक्सपोनेंशियल नोटेशंस आपने ये निकालनी है। सिग्निफिकेंट फिगर्स एक्सपोनेंशियल नोटेशंस आपने कैसे निकालनी है, सिंपल जो आप सिग्निफिकेंट फिगर्स नंबर्स को निकालते थे, और एक्सप्रेस द फ्लोइंग सिंपल नंबर्स, इन नंबर्स को हमने सॉल्व करना है। राउंडिंग ऑफ डेटा जो मेथड्स पीछे आपके रूल लिखे हुए हैं बुक में वो आपने लिखने हैं, और यहाँ पर भी डेफिनेशंस हैं। और दूसरे क्वेश्चन में व्हाट इज़ मीन बाय मोल एंड इंटरलेटेड टू ईच अदर, इंटरलेटेड हाउ आर दे आर इंटरलेटेड टू ईच अदर, आप कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन को, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास इन ग्राम को डिवाइड कर दो मॉलिकुलर मास के साथ, तो इस तरीके से वो रिलेशनशिप उनका ही होता है। आपको पीछे फार्मूला भी इसका लिखा हुआ है और इसके न्यूमेरिकल्स भी किए हैं, और वो गैड्रस नंबर्स का भी हमारे पास यही पूछा हुआ है, लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट किस फॉर्म देते हैं, इसमें सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ चैप्टर में से कोई लॉन्ग नहीं निकलता। अब नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर का है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर करेंगे, अभी इसके तक के लिए इतना ही काफ़ी।